नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट जॉब के बारे में। लोगों का सपना होता है कि वो सरकारी जॉब करें। कई लोग अपना ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ लोग हाई स्कूल के बाद से ही तैयारियाँ करने लगते हैं कि उन्हें प्राइवेट जॉब नहीं चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। क्योंकि एक बन रखा है लोगों के अंदर माइंडसेट कि सरकारी जॉब में पहले मेहनत है, बाद में आराम है। प्राइवेट जॉब करोगे तो हमेशा मेहनत करते रहोगे, संघर्ष बहुत है, बहुत कुछ है वहाँ पे, पैसे उतने नहीं मिलते हैं शुरुआती दिनों में। हाँ, अगर आप IIT से या किसी NIT से हो, बड़े इंस्टीट्यूट से हो, MBA किया हुआ है आपने, तो आप एक अच्छी प्राइवेट जॉब में लैंड कर सकते हो, काफ़ी लाखों का पैकेज। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना, हम जिस समय में हैं अभी, सक्सेस का जो अंदाज़ा है ना, वो मतलब पैसों से लगाया जाता है। पर मैं यहाँ पूछना चाहूँगा आप लोगों से, कितने पैसे पे आप सक्सेस मानोगे? मुकेश अंबानी सक्सेसफुल है ना, लोगों की नज़र में है सक्सेसफुल, पर उसकी वेल्थ तो बहुत ही कम है। टॉप सबसे रिचेस्ट पर्सन तो नहीं है वो पूरे वर्ल्ड में। एलॉन मस्क सक्सेसफुल है, अभी कुछ दिन पहले वो टॉप पे थे, अभी सेकंड पे आ गए। जेफ बेजोस फिर से टॉप पे चले गए। बिल गेट्स सक्सेसफुल नहीं है वो, तो फिर भी लोग पैसों से ही आंकते हैं। फिर हाँ, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है, पर किस लेवल के सक्सेस है आपके पास? जैसे जितना पैसा उतनी बड़ी सक्सेस, आपका घर जितना बड़ा हो, आपके पास जितनी गाड़ियाँ हों, जितना महंगा फ़ोन हो आपके पास, वो आपकी सक्सेस का एक पैरामीटर है। कौन से ब्रांड के आपने कपड़े पहने हैं, कौन से ब्रांड के जूते पहने हैं आपने, वो सक्सेस है। तो इसीलिए मतलब प्राइवेट जॉब पे यहाँ पे वो हो जाता है कि प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी नहीं है। चलिए पहले उस पर आते हैं। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, हमारा कोई रिलेटिव होता है किसी सरकारी ऑफिस में, बाबू होता है या कुछ होता है, काफ़ी अच्छी सैलरी उठा रहे हैं वो, तो माहौल थोड़ा बदलता है। ये तो मैं मानूंगा यहाँ पे, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर होती है, एक ख़ानदान सुधर जाता है, क्योंकि उसको कीमत समझ आती है कि भाई सरकारी जॉब सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि पहले मेहनत करते हैं वो, बाद में भी मेहनत होती है। हाँ, वहाँ सुकून है, फिक्स है कि आपको इतने टाइम काम करना है, आपका ये पे स्केल है, इतने समय बाद आपको ग्रोथ और प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है। प्राइवेट जॉब में अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो, मैनेजमेंट की नज़र में आते हो, उनको लगता है कि आप ग्रोथ लायक हो, तो आपकी ग्रोथ किसी टाइम बाउंडेशन में नहीं रहती। आप साल भर में ही बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो आप, पर अगर उनकी नज़र में नहीं आते हो, अच्छे नहीं लगते हो उन्हें, भले ही आपको लगता है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने आप को मेहनती मानता है, अपनी नज़र में हर कोई हीरो है, पर हाँ, आप अपनी नज़र में भले ही हीरो हो, किसी ना किसी की लाइफ में आप बहुत बड़े विलन ज़रूर होते हो। मैं अपनी नज़र में हीरो हूँ, यहाँ तक कि मैं भी अपनी फैमिली की नज़र में भी मैं हीरो हूँ, पर मैं किसी ना किसी की लाइफ में विलन ज़रूर हूँ, कोई ना कोई मुझे बहुत बुरा मानता होगा। ऐसे ही आप सबके साथ है। प्राइवेट जॉब में ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें बस ये जॉब मिल जाए, हम कुछ भी बोल के, कुछ भी झूठ बोलेंगे वहाँ पे। इंटरव्यू लेने वाले को भी पता होता है आपको ये जॉब क्यों चाहिए, आपको पैसे चाहिए, मेन पॉइंट यही है, आपको पैसे चाहिए, आपको कुछ चीज़ सीखनी है, इसलिए आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, तो उन्हें पता है। आप फिर भी वहाँ झूठ बोलोगे, नहीं, आई वॉन्ट टू ग्रो माई स्किल्स, आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ये सब झूठ आप वहाँ पे चिपका देते हो, ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से उन्हें इम्प्रेस कर सको। मेन चीज़ तो यहीं पे आती है बात में, कि गाँव के लोगों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मैं भी एक गाँव से हूँ, तो मुझे शुरुआती दौर में बहुत ही दिक्कत आई, क्योंकि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही बेकार थी। अब भी बहुत अच्छी तो नहीं है, पर ठीक है, बहुत बेकार से थोड़ा अच्छी है अभी। इंग्लिश वर्ड्स मैं बोल लेता हूँ, जैसा आप देख रहे हैं अभी, पहले मैं ये इंग्लिश वर्ड्स ऐसे बोलता था, प्रोनाउंसिएशन मेरा अभी उतना अच्छा नहीं है, पर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा चीज़। तो प्राइवेट जॉब में हमें हमेशा लगता है बस इंटरव्यू देने जाते हैं, ये जॉब हमें मिल जाए बस, और जब मिल जाती है हम बहुत सुकून से हो जाते हैं, फिर काम करते हैं, करते जाते हैं, फिर एक दौर ऐसा आता है हमारे काम में ना कि हम ऊब जाते हैं अपने काम से, और हमारा एक माइंडसेट भी बना रहता है कि हाँ, एक साल करेंगे उसके बाद ये जॉब छोड़ देंगे, 6 महीने बाद छोड़ देंगे अगर अच्छा नहीं लगा तो। हम बेसिकली जॉब स्विच करते क्यों हैं? बेसिकली जॉब स्विच क्यों करना चाहिए हमें? देखिए, जॉब स्विच करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जॉब कब स्विच करनी है, कब आपको ये नौकरी छोड़ के किसी और नौकरी को, किसी और कंपनी को पकड़ना है। अब ये कब का मतलब ये नहीं कि किस टाइम पे, ये नहीं कि 6 महीने बाद या साल बाद, इसका मतलब है कि किस अपॉर्चुनिटी पे, किस लेवल पे आपको ये जॉब छोड़नी है।
यही सबसे बड़ी गलती है जो प्राइवेट सेक्टर में लोग करते हैं। वो जब अपनी जॉब से परेशान होते हैं, अरे यार बॉस अच्छा नहीं है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही हेक्टिक वर्क शेड्यूल है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पा रहा है, पैसे कम मिल रहे हैं मुझे। अरे जॉब ज्वाइन करते वक्त तो आपको पता था ना कितने पैसे मिल रहे हैं, फिर आपको 6 महीने में कैसे पता चलता है कि पैसे कम हैं? हाँ मे बी आपकी ज़रूरतें बढ़ गई हों, आपके खर्चे बढ़ गए हों, पर 6 महीने में ही आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी सैलरी कम लग रही है मुझे, तो वो गलत है। क्योंकि जो अप्रेजल साइकिल है वो भी मोस्टली कंपनीज में 1 साल में होता है एक बार। तो इस बात पे अगर जॉब स्विच कर रहे हो आप, तो वो गलत ही है। पर अगर आपने ये डिसाइड भी कर रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमें करना है। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि हमें पता ही नहीं होता जॉब स्विच कब करना है। जब हम जॉब सर्च करते हैं, हाँ इसका इंटरव्यू कॉल आया, बस करते चलते हैं, ने कंपनी की डिटेल्स पढ़ी, थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा, जाके इंटरव्यू दे देते हैं, और अगर सेलेक्ट हो गए बस वाह वाह पार्टी घूमो। फिर अगर वहाँ पे 2 दिन का ऑफ मिल गया तब तो और अच्छी बात है, लाइफ सेट। अरे भाई 2 दिन का ऑफ मिल रहा है मुझे, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है मेरी, वाह जन्नत है भाई। जिसको भी आप बताते हो वो भी तारीफ करता है, हाँ यार अच्छा है, 5 दिन का 2 दिन आराम, बहुत ही अच्छी जॉब है तुम्हारी। तो पैसा कितना मिल रहा है? ठीक ही मिल रहा है, ज़्यादातर लोग ऐसे सैलरी रिवील नहीं करते, मैं भी नहीं रिवील करता हूँ, अच्छी चीज़ नहीं है वैसे ये, क्योंकि लोग आपको तोलने लगते हैं ना कि हाँ अरे अच्छा आपकी सक्सेस इतनी है, अभी दिखाते इतना हो तुम पर इतने ही सक्सेसफुल हो। इसीलिए सैलरी कभी डिस्कस नहीं करनी चाहिए आपको किसी से। हाँ खर्चा चल रहा है आप देख ही रहे हो, लोग अक्सर सैलरी इसीलिए पूछते हैं ताकि वो आपकी सक्सेस को नाप सकें कि वो कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर हो, कंपेरिजन कर सकें वो अपने आप से या किसी और से कि अच्छा 5 साल में तुम यहाँ पहुँचे हो, 5 साल में वो तो वहाँ पहुँच चुका है। लोग हमेशा आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता यहाँ पे, बहुत कम ही लोग होंगे जो आप बेस्ट फ्रेंड होंगे, और सेम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही रेयर लोग हैं ऐसे जो आपके बेस्ट फ्रेंड हों। तो इस बात पे फोकस करने की बजाय मैं फिर से आता हूँ अपने टॉपिक पे, जॉब कब स्विच करना चाहिए हमें? हमें नहीं पता होता, लिटरली वी डोंट नो व्हेन टू स्विच आवर जॉब। हम जॉब की सर्च में लगे रहते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं और बॉस अच्छा नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है मेरी लाइफ में, पैसे कम पड़ रहे हैं मुझे, तब हम जॉब सर्च करना शुरू करते हैं। फिर जब हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई एक कंपनी मिलती है, हम उसमें इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर चिल, फिर हम टेंशन भूल जाते हैं अपनी सारी, हमारी जो भी टेंशन थी वो सारी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। फिर उस नौकरी में भी एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आप पक जाते हो फिर कि ओ ये भी सेम ही है, सारी कंपनियाँ सेम होती हैं, हाँ ये कंपनी अच्छी है इसमें जॉब लग जाए तो मेरा अच्छा होगा। आप फिर से उस कंपनी को चेस करना शुरू करते हो, वहाँ पे जॉब भी लग जाती है आपकी, पर फिर से कुछ दिन बाद ऐसा टाइम ज़रूर आता है जहाँ पे आप बोर हो जाते हो। तो इसीलिए जॉब ज्वाइन करने के पहले जॉब छोड़ना कब है ये आपको पता होना चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा जो 2-3 साल में काफ़ी अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं, और बहुत ही कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी जॉब स्विच करते हैं, उनके करियर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमने लाखों बार सुना है कि जल्दी जल्दी जॉब स्विच नहीं करना चाहिए, इससे करियर पे इफेक्ट आता है, पर ऐसा होता नहीं है। काफ़ी लोग जल्दी जल्दी स्विच करके बहुत अच्छी जगह पे पहुँचते हैं। कुछ भी रूल नहीं है, कोई रिटर्न फार्मूला नहीं है यहाँ पे सक्सेस का, आप अपना सक्सेस फार्मूला खुद बना सकते हो। प्राइवेट सेक्टर है यार ये, दिस इज प्राइवेट, यहाँ पे अपने रूल्स हैं। यही ऐसा सेक्टर है जहाँ पे विदाउट स्किल आप अपना ग्रो कर सकते हो। कैसे? टाइम देकर। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो अच्छे नहीं होंगे काम में, पर वो अच्छी जगह पहुँच जाते हैं, क्यों? टाइम देकर, अपना टाइम दो। लोग 8 घंटे काम करें, आप 16 घंटे काम करो, कंपनी को लगेगा वो आपको ग्रोथ देगी। और ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे, और हो सकता है मैं भी उनमें से एक एग्जांपल हूँ, अगर कुछ लोग मुझे जानते होंगे तो वो जानते होंगे ये चीज़। पर बाद में रिलाइज होता है नहीं यार हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज आता है उन लोगों में भी बाद में, पर उस वक्त तो ग्रोथ मिल गई ना उन्हें। तो मेन चीज़ यही है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप अपना टाइम दो। टाइम भी एक बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी ज़िंदगी में, तो ये भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ यही कहना चाहूँगा मैं, जॉब ज्वाइन करने के पहले आपको जॉब छोड़ने का पता होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि टाइम, गोल, एक डिसीजन होना चाहिए आपके पास कि हाँ अगर मुझे इसका ऑफर मिला तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। बहुत लोग प्रिपरेशन करते वक्त जॉब करते हैं, जैसे कि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो BPO ज्वाइन कर लेता है नॉर्मली, तो जैसे उसकी सरकारी नौकरी में कुछ कन्फर्मेशन मिलती है उसे, नौकरी तो छोड़ देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
पर ज़्यादातर तो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में ही इधर उधर स्विच करते रहते हैं, दिक्कत उन्हीं के लिए आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता ना स्विच कब करना है। स्विच वो तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ अब मैं परेशान हो गया हूँ इस नौकरी से, अब मुझे स्विच करना चाहिए। और दूसरा, जो भी ऑफर मिलता है आप ले लेते हो, क्योंकि आपको सिर्फ आपको एक इंक्रीमेंट दिख रहा होता है। हाँ अच्छा, ये मुझे 30% इंक्रीमेंट दे रहे हैं और ये पोस्ट भी दे रहे हैं, वाह ये तो मुझे मैनेजर बना रहे हैं। सिर्फ इसी बात पे आप अगर स्विच कर रहे हो तो मे बी ये लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट भी कर सकता है, हाँ फ़ायदा भी कर सकता है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, मैंने जैसा पहले ही कहा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको ग्रोथ दे सकती है। मेहनत करिए, आपके स्किल्स अच्छी होंगे, आप ग्रोथ पाओगे। आप जैसे किसी कंपनी में, एक्स कंपनी में काम कर रहे हो, आपने एक साल काम कर लिया, अब आप बोर हो रहे हो, आप स्विच कर लो नॉर्मली। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्विच नहीं करना है, पर हाँ काफ़ी बार हमने देखा है कि लोग बड़े सपनों से, बड़े उम्मीदों से अपनी ड्रीम कंपनी में ज्वाइन करते हैं और फिर बहुत ही दुखी होकर उस कंपनी को छोड़ते हैं। दुखी होकर, कुछ खास चेंज नहीं हुआ होता उस दौरान, बस उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो उससे पक चुके होते हैं, नहीं मिलती वो। तो ऐसी चीज़ें मैं और आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मैं एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूँ और कॉर्पोरेट सेक्टर में 5 साल से ऊपर का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। छोटी कंपनीज के साथ भी काम किया है, स्टार्टअप के साथ भी काम किया है और एक अभी बड़ी फर्म में मैं काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत बात कर सकता हूँ। मुझे एक्चुअली 2-3 दिनों में कुछ ये रियलाइज़ हुआ है कि लोगों में यही गलती है कि स्विच वो तभी करते हैं जब वो अपनी नौकरी से परेशान होते हैं। कई बार ये जो दौर होता है बहुत छोटा होता है। कई बार हमने देखा है कि कंपनीज में बहुत काम आ जाता है इकट्ठा, तो वो प्रेशराइज करके काम करा लेते हैं। हाँ, जो लेबर कोड वगैरह है ना, ये सरकार के पास ही होता है, सारे लेबर कोड तोड़े जाते हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में। 5 डेज वर्किंग कंपनी है, मतलब डिसाइडेड है कि 48 आवर्स वर्क कराना होता है। पर आप लोग अपना खुद हिसाब लगा के देख लेना, आप लोग कितने आवर्स वर्किंग कर रहे हो। और जब से वर्क फ्रॉम होम आया तब से, मतलब 7 के 7 दिन कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो सारे कोड्स वगैरह तो टूट ही रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग पक भी गए हैं। और हाँ, जो अभी दौर आया था ना कि रिसेशन था, काफ़ी जॉब्स गई, अब वो दौर जाने वाला है। काफ़ी ओपनिंग्स मैंने देखी हैं, बहुत सी कंपनीज़ रीहायरिंग शुरू करने वाली हैं और अभी एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी काफ़ी हायरिंग्स होने वाली हैं। काफ़ी CEOs ने खुद कंफर्म किया है, क्योंकि जो दौर था कोरोना का, लॉकडाउन की वजह से बहुत इफेक्ट हुआ, सब कुछ बंद हो गया था। तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि जो हम लगभग 1 साल पीछे हैं वो कवर कर लिया था। तो सारी चीज़ें छोड़िए, अपनी स्किल्स पे फोकस करिए, अपनी स्किल्स डेवलप करिए, बस वही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी। और हाँ, जब भी जॉब ज्वाइन करिए, आपके दिमाग में ये ज़रूर होना चाहिए कि ये जॉब मुझे कब छोड़नी है। आप टाइम बाउंड भी कर सकते हो, आप किसी खास कंडीशन बाउंड भी कर सकते हो कि हाँ ये हुआ तो मैं जॉब छोड़ दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ऐसे ही अगर कुछ इंसाइटफुल बातें आपको चाहिए जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में बताइए। I will try to address everything. So, धन्यवाद।